हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हो आई होप कि अच्छे होंगे है ना तो जी आज बनाने वाले हैं इमली की चटनी इमली की चटनी बनाने वाले हैं बड़ी आसानी से बन जाती है और बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा टेस्टी जो है ये लगती है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो फिर स्टार्ट करते हैं बनाना लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे तो यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट्स में हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे इमली चाहिए हमको ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये इमली है इमली चाहिए नमक चाहिए चीनी चाहिए सौफ़ चाहिए और ड्राई फ्रूट्स में जो है हमने बादाम लिए और किशमिश हैं बादाम को हमने ब्रीक ब्रिक काट लिया अब सबसे पहले आपको क्या करना है एक पतीला ले लेना है पतीले को गैस पे चढ़ा देना है और इसमें दो कुछ कप हमने यहाँ पे पानी के डाल दिए और ये इमली ऐसी जो होती है इसको एज इट इज़ आप डाल दें तोड़े तोड़े नहीं इसको ये खुद ब खुद जो है इसमें टूट जाएगी तो यहाँ पे ये देखिए कलर इसका चेंज होता जाएगा हाई फ्लेम पे आप इसको कर सकते हैं इसमें उबाल आना है जस्ट ठीक है उबाल आना चाहिए इसमें अच्छे से आने दें आप उबाल इसमें पंद्रह बीस मिनट तो लग ही जाएंगे ठीक है ये देखिए कुछ ऐसे इसमें उबाल आ गया और ये ऐसे थिक होने लग जाएगी ठीक है थिक और गाढ़ी सी हो गई है ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आप चला के देख लें कैसी हो रही है ये पर ये जो है थिक हो जाएगी और ये अब ये रेडी हो गई है अब आपने क्या करना है इसको छानना है ठीक है अलग से आप इसको छान लें छलनी के साथ अब इसमें जो छलनी में पल्प आ रहा है ना वो हमारे यूज़ का नहीं है हमारे यूज़ का है जो नीचे यहाँ पे पानी आ रहा है ना ये इमली का पानी रस जो हम निकाल रहे हैं ये हमारे यूज़ का होने वाला है तो आप अच्छे से ना इसमें से सारा रस निकालें अच्छे से निकालें थोड़ा सा भी रस जो है ना वो वेस्ट नहीं होना चाहिए तो वो अच्छे से निकालें ऐसे चम्मच जैसे दवा दवा के ना सारा जो भी इसका पानी है ना रस वो सारा निकाल लें अब आप क्या करें ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना पानी ऐड करके भी ना हल्का हल्का दो तीन टेबल स्पून पानी डाल के फिर ऐसे घुमा घुमा के ना ऐसे दवा दवा के सारा जितना भी रस है ना वो निकाल लें अब हमने यहाँ पे जो है सारा जो रस से निकाल दिया कटोरी में हमने रख दिया इसको अब हमने इसमें तड़का लगाना है तड़का लगाने के लिए यहाँ पे पतीला जो हमने गैस पे चढ़ाया है और फिर इसमें हमने दो चम्मच जो है ना वो कुकिंग ऑयल के डाल देने हैं दो चम्मच डाल डालने फिर ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपने एक चम्मच जो है सॉफ्ट डालनी है सॉफ्ट थोड़ी सी चटक गई है फिर यहाँ पे आपने जो ये इमली का रस जो पानी हमने बना के रखा था ना वो डाल देना अब इसमें उबाल आना है उबाल आने देना कढ़ेगी ये और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होती जाएगी और ये इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी ठीक है थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है आधा कप ठीक है फिर यहाँ पे आपने डाली है चीनी चीनी हमने यहाँ पे चार चम्मच जो है डाली है यहाँ पे क्या यह है ना खट्टे मिट्टे का बैलेंस करना ज़रूरी है तो इमली खट्टी है तो चीनी डालना भी ज़रूरी है फिर यहाँ पे हमने आधा चम्मच नमक डाला है ठीक है आधा चम्मच नमक डाला फिर यहाँ पे हमने किशमिश डाल दी है कुछ किशमिश डाल दी और बादाम डाल दिया हमने काट कर बादाम डाल दें आप इसमें काट कर और भी कुछ ड्राई फ्रूट आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर इसको एक बार आप चला दें अच्छे से दे चला दें अब आप इसको ना मीडियम फ्लेम पे इस पर ना इसको पकने दें मीडियम फ्लेम पर ना इसको पकने दें आप ठीक है मीडियम फ्लेम पर जो है ना ये पकती रहेगी और फिर क्या होगी ना ये गाढ़ी सी होने लग जाएगी ये देखिए कुछ ऐसी ये हो जाएगी ना रेडी बीस कुछ मिनट लगेंगे इसमें फिर ये रेडी हो गई है और हमने यहाँ पे इसको सर्व कर दिया है बाउल में ये देखिए कितनी प्यारी इसकी कंसिस्टेंसी बन के आई है आप ना इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में और लंबे टाइम तक ये चल जाती है ना फिर आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यारी है हमारी वाली बन के आई है बहुत ज़्यादा प्यारी आई है अब हमने ना यहाँ पे इसमें थोड़ा चूरा सा ना बादाम का थोड़ा सा चूरा सा बना के ऊपर ऐसे गार्निश कर दिया तो और ज़्यादा प्यारी लग रही है ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारी बनी है और अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप भी बनाएं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ऐसे मेथड से आप बनाओगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये और